राधे राधे टू ऑल। आप देख रहे हैं केमी फ्रेशटून्स। जैसे कि आपको कुछ अनुमान लग ही गया होगा थंबनेल देखकर कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट इज़ ड्रीम इन रियल, कि ड्रीम असल में क्या है और आप सक्सेस यानी ड्रीम तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अब मैं उस पड़ाव की बात कर रहा हूँ जिस पड़ाव पर आके आपके सामने लाखों सिचुएशंस और रास्ते आ जाते हैं और उन सभी रास्तों में आपको एक वे चूज़ करना होता है जिसके थ्रू आप अपनी ड्रीम तक पहुँच सकते हैं। और वो रास्ता चूज़ करने के लिए आप अपने फैमिली से, अपने गार्डियन से राय लेते हैं और सभी आपको एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। वो एग्ज़ाम्पल क्या वो लाखों सिचुएशंस कवर अप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ये बहुत कठिन हो जाता है कि लाखों एग्जांपल दिए जाएं लाखों सिचुएशंस को कवर अप करने के लिए। इसलिए मेरे पास एक ऐसा वे है कि जिससे कि आप वो लाखों सिचुएशंस में से एक अपना राइट वे चूज़ कर पाएं। वो ये कि जो ड्रीम का मीनिंग मैं बताने वाला उस डेफिनेशन के अनुसार अगर आपको ज्ञात हो जाता है कि आपकी ड्रीम क्या है तो ऑटोमेटिकली जो लाखों सिचुएशंस हैं वो चंद सिचुएशनों में बदल जाए। फिर आप जानेंगे कि मेरे अनुसार एक इंटेलिजेंट और एक हार्ड वर्कर में क्या डिफरेंस है। और जब आपको ये पता चलेगा कि आप एक इंटेलिजेंट हैं या सिर्फ एक हार्ड वर्कर हैं, तब आपकी जो चंद सिचुएशंस आपके सामने होंगी वो एक वे में सिमट कर रह जाएंगी और आपको आपकी ड्रीम तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर वो एक रास्ता भी आपको बिना कोई परेशानी के पार करना जिससे कि आप अपनी ड्रीम तक पहुँच सकें, तो उसके लिए 14 वैल्यूज़ और 14 रत्न आपको ज्ञात होने अति आवश्यक है। और अगर उसमें से कोई 7 भी आपने प्राप्त कर लिए देन यू कैन। अब मैं आपको मेरे अनुसार 3 परिभाषाएं बताऊंगा कि एक ड्रीम असल में क्या है। पहली ये कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको एक अनुभव मिलता है कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि वहाँ जाकर आपको कैसा अनुभव हुआ। आप कुछ खाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ये खाकर आपको कैसा अनुभव हुआ। तो आपका मनपसंद यानी ऐसा अनुभव जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो, यानी कि आपके लिए वो सबसे बड़ा हो, सबसे बेस्ट हो, नंबर 1 पर हो, वो अनुभव जिसकी वजह से हो, वो वजह ड्रीम। दूसरी परिभाषा ये कि मान लीजिए आपके सामने आपकी मौत खड़ी है और वो धीरे धीरे आपके करीब आ रही है और वो आपके एकदम करीब आकर आपसे पूछती है आपकी आखिरी या आपकी अंतिम इच्छा। वो आखिरी इच्छा ड्रीम है। अब तीसरी और अंतिम परिभाषा जो मेरे अनुसार एक ड्रीम को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे योग्य परिभाषा है, वो ये कि ड्रीम वो मुकाम है जब आप उसे हासिल कर लें उसके पश्चात आपको आपकी मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि जिसकी वजह से आपने इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाया है वो वजह आप प्राप्त कर चुके होंगे। आइए हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी की ड्रीम डॉक्टर बनना है और वो डॉक्टर बन जाता, अपनी ड्रीम प्राप्त कर लेता। तब हम उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अब आपको अपनी मृत्यु का भय है? तब वो कहेगा कि मृत्यु का भय सबको होता है, मुझे भी है। अब यहाँ 2 सिचुएशंस आ जाती हैं। पहली ये, या तो डॉक्टर बनना उसकी ड्रीम नहीं है, और दूसरी सिचुएशन ये, अगर उसकी ड्रीम डॉक्टर बनना है तो वो इतनी दृढ़ नहीं। इसके साथ साथ परिभाषा को लेकर एक प्रश्न यह उठ जाता है कि अगर ड्रीम कोई प्राप्त कर ले तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो ड्रीम जिएगा कब? तो इसका सीधा साधा उत्तर यह है कि तीसरी परिभाषा अनुसार ड्रीम वो है जिसके कारण आप निर्भय बन जाते हैं, ना कि वो कि जिसे प्राप्त करने पर आपकी मृत्यु हो जाती है। असल में मृत्यु से निर्भय का अर्थ यह है कि आपकी सर्वश्रेष्ठ इच्छा, आपकी ड्रीम अब आपको मिल चुकी है और इससे अतिरिक्त आपको और कुछ नहीं चाहिए। अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि असल में किसी की ड्रीम डॉक्टर बनना है। अब हम उनसे जाके पूछते हैं कि आपको मृत्यु से भय है या नहीं, तब सुनिए कि वो क्या कहेंगे। वो ये कह सकते हैं कि उनकी सदैव से एक ही इच्छा है कि जब भी उनकी मृत्यु हो उस समय वो दूसरों को प्राण दे रहे हैं। What can be dream? कि ड्रीम क्या हो सकती है? अक्सर हमसे स्कूलों में ये पूछ लिया जाता है टीचरों द्वारा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या ड्रीम है।
अगर हम ध्यान दें तो हमसे दो प्रश्न किए जाते हैं, एक नहीं। पहला ये कि हम क्या बनना चाहते हैं और दूसरा ये कि हमारी ड्रीम क्या है। क्योंकि ड्रीम केवल कुछ बनना ही नहीं होता, ड्रीम कुछ भी हो सकती है। ड्रीम तो एक अप्रतिम अनुभव है जो केवल बनकर ही नहीं प्राप्त हो सकता, वो कैसे भी प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि किसी की ड्रीम डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बनकर ना होकर दुनिया घूमना हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। और दूसरी बात ये कि हमें अक्सर हमारे उत्तर का आगे से रिप्लाई ये सुनने को मिलता है कि आपकी ड्रीम तो बहुत बड़ी है या आपकी ड्रीम बहुत छोटी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबकी ड्रीम एक समान होती है, कोई भी ड्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती। ये बात वो अच्छे से सभी लोग जानते हैं जिनकी कोई ना कोई ड्रीम है। ड्रीम की इंपोर्टेंस जानने से पहले आप ये जानें कि सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा सुख किस में है। सबसे बड़ा सुख उसमें नहीं कि जब आप सबसे अमीर बन जाएं, सबसे बड़ा सुख उसमें भी नहीं जब आपकी ड्रीम आप प्राप्त कर लें, बल्कि सबसे बड़ा सुख उसमें है जब किसी और की ड्रीम पूरी होती है और वो उसका श्रेय आपको दे। मेरी इस बात से ये अंदाज़ा लग ही जाता है कि ड्रीम की इंपोर्टेंस बहुत बड़ी है। अब हम जान चुके हैं कि हमारी ड्रीम क्या हो सकती है और उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए हमारे सामने कुछ चंद रास्ते ही बचे हैं, और उन चंद रास्तों में हमें केवल एक सही रास्ता चुनना है। और वो चुनने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं या सिर्फ एक हार्ड वर्कर। आइए जानते हैं कि इंटेलिजेंट कौन हो सकता है। इंटेलिजेंट वो हो सकता है जो बिना पढ़े अच्छे नंबर ला सके, यानी कि एक इंटेलिजेंट वो होता है जिसकी इतनी क्षमता हो कि उसे जो एक बार पढ़ा दिया जाए या बता दिया जाए वो उसे बिना दोबारा पढ़े अच्छे नंबर लाने में सक्षम हो। अब बात आती है कि एक हार्ड वर्कर कौन हो सकता है। एक हार्ड वर्कर वो हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय तक हार्ड वर्क कर सके, या वो हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय तक बिना थके पढ़ने की क्षमता रखे। और अगर यदि उसे जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे दोबारा ना पढ़े तो वो अच्छे नंबर लाने में असक्षम हो जाता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि जो बच्चे स्कूल में सबसे आगे रहते हैं, क्लास में सबसे अधिक नंबर लाते हैं, वो सभी इंटेलिजेंट हैं। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन वाला ही क्यों ना हो, जो दिन रात मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचे हैं, और अगर वो वैसी मेहनत ना करते तो वो शायद उस मुकाम पर ना होते। और उन सब में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद उतनी मेहनत ना की फिर भी वो उस मुकाम पर हैं, वो सभी इंटेलिजेंट हैं। इसीलिए हम केवल बच्चों के मार्क्स देखकर यह अनुमान कतई नहीं लगा सकते कि वो इंटेलिजेंट हैं या सिर्फ एक हार्ड वर्कर। इसी योग्यता का ज्ञान केवल पता होता है तो उस बच्चे को जिससे हम कभी पूछते ही नहीं। अब आप जानें कि जब एक इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करने लगे तब क्या होता है। अगर वो इंसान, वो बच्चा बिना पढ़े अच्छे नंबर लाए, अगर वो पढ़ने लगे तब वो ब्रिलियंट बन जाता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन एक हार्ड वर्कर इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। इसी तरह आप अपनी योग्यता पहचान सकते हैं, और बच्चे कुछ चंद रास्तों में एक रास्ता चुनकर अपनी ड्रीम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मैं यह जानता हूं कि अब भी यह आसान नहीं होगा कि लाखों रास्तों में कोई एक रास्ता तय करना, इसीलिए मैं अपने एग्जांपल द्वारा अब आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं 11th क्लास पार कर रहा हूँ, और ये पार करते समय मुझे 6 लोगों ने 7 अलग अलग रास्ते दिखाए। वो रास्ते कुछ इस प्रकार हैं। लेकिन मुझे एक ही रास्ता चूज़ करना है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब वो रास्ता कोई भी हो सकता है, इन 7 रास्तों में भी हो सकता है और इनसे कहीं अलग, क्योंकि लाखों रास्ते हैं। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए कि उस मंजिल का रास्ता इन 7 रास्तों में से ही एक हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.0007, क्योंकि लाखों रास्ते हैं। हर एक फैमिली यही चाहती है कि उसका बच्चा अपने सपने पूरे करे, पर गौर करें तो वो जो चाहती है क्या वो कर पाती है।
क्योंकि उनकी तरफ से अपने बच्चे को उसकी ड्रीम तक पहुंचाने की संभावना केवल 7% होती है उदाहरण के अनुसार। हो सकता है फैमिली जो रास्ता दे वो बच्चे के सपने पूरे कर दे, ये भी हो सकता है फैमिली जो बच्चे के बारे में बताए कि उसे क्या आता है क्या नहीं वो भी सही हो, ये भी हो सकता है कि फैमिली ये बात सही बताए कि उसके बच्चे को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। फिर भी एक बार बच्चे से पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि मेरे बताए अनुसार चलने के बावजूद आपके सामने ऐसे दो रास्ते आ जाते हैं जिन दोनों रास्तों से आप अपनी ड्रीम प्राप्त कर सकते हैं। अब भी मेरा सुझाव यही होगा कि आप उन दोनों रास्तों में कोई एक रास्ता ही चुनें। अक्सर ऐसी कंडीशन में हमारे सामने दो सिचुएशंस आती हैं। पहली सिचुएशन ये कि ड्रीम प्राप्ति के लिए हमें दो रास्ते में से एक रास्ता छोटा दिखाई देता है और दूसरा रास्ता लंबा दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन हो तो आप छोटा रास्ता ही चुनें, क्योंकि लंबे रास्ते में इंसान के भटकने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरी सिचुएशन ये कि ड्रीम तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता छोटा पर कॉम्प्लेक्स दिखाई दे जबकि दूसरा रास्ता लंबा पर सिंपल दिखाई दे। इस तरह की सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि जो फुली फोकस्ड है अपनी ड्रीम के लिए या जो इंटेलिजेंट है वो छोटा रास्ता चुने और जो सिर्फ हार्ड वर्कर हैं वो लंबा रास्ता चुने, क्योंकि जो सिंप्लिसिटी लंबे रास्ते में मिलेगी वो आपको किसी और वे पर डाइवर्ट होने से रोकेगी। सबसे पहला कार्य एक स्टूडेंट का कि वो ड्रीम का सही अर्थ जानकर अपनी ड्रीम पहचाने। फिर कर्म आता है एक फैमिली का कि वो अपने बच्चे द्वारा उस ड्रीम तक पहुंचने के हर संभव रास्ते उसे बताए। फिर आता है तीसरा और आखिरी कर्म जो कि एक स्टूडेंट का होता है कि वो अपनी योग्यता अनुसार उन सभी रास्तों में से कोई एक रास्ता चुने और उस रास्ते पर चलकर वो अपनी ड्रीम तक पहुँच सके। मेरी नज़र में इस सवाल का उत्तर एक ही है, वो है मान। बच्चा अनेक बार अपने परिवार वालों का मान रखकर उनकी इच्छा अनुसार आगे बढ़ जाता है। मानो या न मानो, जब बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स से कि आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, तब पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। परिवार की बात मानकर चाहे वो सही हो या गलत, अपने विचार और इच्छा त्याग कर यदि बच्चा चाहे कितना भी गौरव प्राप्त कर ले, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों न बन जाए, परंतु कुछ विशेष चीज़ें उसे प्राप्त नहीं हो पाती। वो है प्रसन्नता, अंदरूनी खुशी, मानसिक सुख और आत्मशांति। एक अच्छा बच्चा तो मान रखेगा ही, असल में कार्य पेरेंट्स का है कि वो ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि अगर बाद में उन्हें पता लगा कि उन्हीं के बच्चे ने उनका मान रखकर अपने सपनों की कुर्बानी दे दी तो सबसे बुरा उन पेरेंट्स को ही लगेगा। सभी पेरेंट्स एक बात अच्छे से जानते हैं कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी होती है, पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब पेरेंट्स बच्चे से वो उम्मीद लगाने लग जाते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, जो उनका बच्चा केवल अपने सपनों को छोड़कर ही पूरा कर सकता है, और पेरेंट्स इस बात को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स मान भी जाएँ तो वो अनेक बार सिर्फ एक भारी दिखावा बन जाता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे को अपने सपने पूरे करने में चाहिए, जो कि है साथ, परिवार का संपूर्ण प्रोत्साहन, वो कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। पेरेंट्स बच्चे के साथ तो होते हैं पर वो एक होने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो मैं पेरेंट्स की गलती नहीं बता रहा, मैं तो वो बता रहा हूँ जो सभी पेरेंट्स असल में चाहते हैं, बस उन्हें बच्चे की सर्वोचित इच्छा शायद ज्ञात नहीं होती, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आसपास की दुनिया को देखकर शायद भटक जाते हैं। बस ये सब कुछ यहीं तक था। अगर आप मुझसे और अलग अलग टॉपिक पर ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गेमी फ्रस्टून्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।